एक तो बात ये कही थी कि हम लोग एक्सरसाइज एक और दो में जो मुख्य काम कर रहे हैं वो इस बात को समझने का काम कर रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव है। तो ये जो निरंतर सुख हम चाहते हैं वो कैसे सुनिश्चित होगा, अपने में सुनिश्चित होगा, अपने स्वभाव में होगा या बाहर के प्रभाव से होगा, यह मुख्य प्रश्न है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज वन में देखें और टू में देखें तो मुख्य रूप से एक्सरसाइज वन में हम लोग इस बात को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि सुख हमारा स्वभाव है, ये कोई बाहर से पाने की चीज नहीं है, अपने में सुनिश्चित करने की चीज है। अभी तक जो हम ज्यादातर समय माने रहते हैं वो ये माने रहते हैं कि सुख हमारा एक प्रभाव है और दो तरह से वो पाया जा सकता है। एक तो अनुकूल संवेदना के आधार पर हम सुखी हो सकते हैं और दूसरा अनुकूल भाव पाकर सुखी हो सकते हैं। ये दो हमारी भी मान्यता है और इसके साथ हम कितना भी प्रयास करते हैं निरंतर सुखी होने का हम हो नहीं पाते। तो सुख जो है वो हमारा स्वभाव है, वो हम अपने में सुनिश्चित कर सकते हैं, ये बात को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं अभ्यास एक। और इसको जब देखते हैं तो ये पता लगता है जो अभ्यास एक में हम लोग स्टेप वन में से शुरू किए स्टेप सेवन तक गए उसमें ये पता लगा कि हम अपने पर ध्यान देंगे तो हम अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं, कल्पनाशीलता में अपने भाव विचार को देख सकते हैं, अपने में ये जांच कर देख सकते हैं कि ये भाव हमारे लिए सहज है या असहज है, सुखद है या दुखद है। इतना जब देख लेते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि हमारे में जो भाव चल रहा है वो सहज होता है तो हम सुखी होते हैं, असहज होता है तो दुखी होते हैं। तो अपने भाव के आधार पर हम सुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इस बात को स्टेप वन टू और थ्री में हम लोगों ने देखा है। स्टेप चार में ये बात भी देखा कि जो भाव हमारे में चल रहा है उसका निर्णय तो मैं खुद ही कर रहा हूं, बाहर की कोई घटना या कोई व्यक्ति उस पर हमारा ध्यान आकर्षण करा सकता है, लेकिन मैं अपने में क्या भाव बनाऊंगा, क्या विचार करूंगा, इसका निर्णय तो मैं खुद ही करता हूं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये निर्णय करने का जो आधार है वो हमारे में जो स्वीकृति बनी हुई है, जो मान्यता बनी हुई है किसी भी चीज के बारे में जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस मान्यता के आधार पर तय होता है हमारा भाव विचार। तो हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मान्यता है, उसके आधार पर हम अपने भाव विचार को तय करते हैं, उसके आधार पर हम सुखी हो दुखी होते हैं। ये बात हम लोगों ने अभ्यास एक के स्टेप पांच तक देखा। ये भी देखा कि जब हमारा संस्कार, हमारी मान्यता समझ पर आधारित होती है, सही समझ पर आधारित होती है, तो हम सही भाव के पक्ष में, सहज भाव के पक्ष में निर्णय लेते हैं और सुखी होते हैं। जब हमारी मान्यता समझ पर आधारित नहीं है तो हमारा भाव विचार निश्चित होगा ऐसा हम नहीं कह पाते। अगर सही है मान्यता तो सही भाव होगा, सहज भाव होगा, सुखद भाव होगा। अगर मान्यता गलत है तो गलत भाव होगा, असहज भाव होगा, दुखद भाव होगा। और अभी ज्यादातर हमारी स्थिति यह है कि हमने सही समझ वाले काम को नहीं सुनिश्चित किया है, इसलिए हमारी मान्यता सही समझ पर आधारित नहीं है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है। तो अगर सही समझ हो जाए तो हमारा भाव सही हो सकता है, हम सुखी हो सकते हैं इस क्षण भी, अगले क्षण भी, हर क्षण भी। तो सही समझ के आधार पर सही भाव को सुनिश्चित करके हम अपने में निरंतर सुखी रह सकते हैं। उसी के क्रम में स्टेप छह और सात में हम लोगों ने यह काम किया कि इस बात को देखने का प्रयास किया कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है,
संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, अस्तित्व का या संघर्ष का। और ये पाया कि अगर हमको ये दिख जाए कि संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, अन्यथा नहीं है, और हर क्षण हम अपने में संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकें, तो हम हर क्षण अपने में सुखी रह सकते हैं। बाहर की स्थिति चाहे कैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो ये बात हम लोगों ने देखा। उसमें स्टेप सात में यह भी देखा कि अगर संबंध व्यवस्था और अस्तित्व हमको समझ में आ जाए और ये दिख जाए कि अस्तित्व में ऐसा ही है, तो बहुत सहज ढंग से हर क्षण हमारे में संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव बना रह सकता है और हम अपने में संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो इस अर्थ में देखें तो हम संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझकर, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव हर क्षण अपने में बनाए रखते हुए हम संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और इस अर्थ में यह कहा कि सुख हमारा स्वभाव है, बाहर से आने वाला प्रभाव नहीं है। हमारा स्वभाव जिसको हम अपने समझ के आधार पर सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर सुनिश्चित कर सकते हैं, उस स्वभाव में रहते हुए हम सुखी रह सकते हैं, तृप्त रह सकते हैं, उसकी निरंतरता हो सकती है। ये मुख्य काम हम लोगों ने अभी तक अभ्यास एक में किया है। एक बार ये दिख जाए कि सुख हमारा स्वभाव है और उसको हम अपने में जांच कर देख कर सुनिश्चित कर लें, तो मेरे सुखी होने का काम तो पूरा हो गया। अब मेरी निर्भरता नहीं है बाहर सुखी होने के लिए, लेकिन मैंने बाहर के साथ अपने संबंध को, व्यवस्था को देखा है, स्वीकारा है, इसलिए वैभव के रूप में हम बाहर संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीते, तो वो हमारे जीने का वैभव है, हमारी बाध्यता नहीं है। मैं जो परस्परता में जी रहा हूँ वो सुखी होने के लिए नहीं जी रहा हूँ, सुखी होकर जी रहा हूँ। अभी तक क्या है, जब बाहर से कुछ पाके सुखी होना है तो उसके ऊपर निर्भरता है कि बाहर अनुकूलता होगी तो हम सुखी होंगे। एक बार हमको सही समझ के आधार पर, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझने के आधार पर, उसका भाव सुनिश्चित होने के आधार पर हम अपने में हर क्षण सुखी हैं, तो अब हमारी निर्भरता नहीं है सुखी होने के लिए बाहर, लेकिन हमारा वैभव है। हमको संबंध दिखता है, व्यवस्था दिखती है, इसलिए वैभव के रूप में हम अभी सभी के साथ संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने का काम करते हैं। उसको हम लोगों ने एक्सप्रेशन बताया था कि अपने में सही समझ के साथ, सही भाव विचार के साथ हम परस्परता में सही व्यवहार करेंगे, सही कार्य करेंगे, उससे उभय सुख मिलेगा, उभय समृद्धि मिलेगी, और ठीक ठीक व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, उससे मानव का जो लक्ष्य वो पूरा होगा। तो ये जो हम परस्परता में जी रहे हैं वो हमारे अपने में समझ पूर्वक, भाव पूर्वक सुखी होने का एक्सप्रेशन है, ना कि उस पर हमारी निर्भरता है। तो वो जो मानवीय आचरण के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी, अगले स्लाइड पे जा सकते हैं, उस स्लाइड पे। तो ये जो चित्र बना हुआ है इसमें ऊपर जो एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ है उसको देखें तो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व हमको समझ में आ जाए जीवन में, उसके आधार पर हमारी कल्पनाशीलता चलने लगे, B2 चलने लगे, हमारा भाव विचार सही हो जाए, इतना हो गया तो हम अपने में आराम में हैं, संगीत में हैं, सुखी हैं, और ये हमारा स्वभाव है, ये बाहर का प्रभाव नहीं है। तो हमने अपने स्वभाव को समझ लिया, हम अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इस आधार पर हम हर क्षण अपने में तृप्त हैं, अपने में सुखी। तृप्ति पूर्वक अब वैभव के रूप में बाहर व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे लिए भी सुखद होता है, दूसरों के लिए भी सुखद होता है। जब हम शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हैं तो हमको भी समृद्धि बनाता है वो,
और दूसरे को भी शेष प्रकृति को भी समृद्ध बनाता है। इसी तरह से जब हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं परिवार को लेकर के ग्राम और समाज और सब जगह, तो हम अपने मानव लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। ऐसा जीने को जब हम फैलाते हैं तो उससे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था बनती है। ये जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है वो हमारा स्वयं में व्यवस्था होने का वैभव है। तो इस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को ही स्वराज्य के रूप में पहचाने हैं। और ये जो स्वराज्य है वो हमारे में जो स्वतंत्रता है पूर्वक जीना है, अपने में जो सही समझ सही भाव विचार के साथ जीना है, स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति है। तो अगर अपने लिए काम देखेंगे तो मुख्य काम जो है वो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, सही समझ सही भाव विचार को सुनिश्चित करना है। ऐसा करके हम स्वतंत्र रूप से जीते हैं, खुद सुखी रहते हैं, वैभव के रूप में बाहर व्यक्त होते हैं संबंध और व्यवस्था पूर्वक, तो दूसरों के लिए भी हम सुख समृद्धि का स्रोत बनते हैं, व्यवस्था का स्रोत बनते हैं, उसको स्वराज्य कहा है। तो स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अभिव्यक्ति है स्वराज्य। तो इतनी बात को हम लोगों ने देखा था। ये जो अभिव्यक्त होना है परस्परता में, उसको अभ्यास दो में समझने की कोशिश किया कि शरीर के माध्यम से जो व्यक्त होना है, दूसरे मनुष्य के साथ जो व्यक्त होना है, शेष प्रकृति के साथ जो व्यक्त होना है, उसको समझने का काम अभ्यास दो में कर रहा है। तो अभ्यास दो के सारे स्टेप्स को देखेंगे तो वो इस बात पर चर्चा है, इस बात को देखने का प्रयास है कि हमारे में अगर स्थिति हार्मनी की है, सुख की है, तो हम परस्परता में कैसे व्यक्त होंगे, वैसा हम व्यक्त हो रहे हैं कि नहीं, तो हमारे में समझ की सही भाव की स्थिति है कि नहीं, और हम सही व्यक्त हो रहे हैं कि नहीं, उसको समझने के लिए अभ्यास दो को काम में लाए हैं। तो सार रूप में देखेंगे तो इतना है, अभ्यास एक में अपने को और अपनी स्थिति को समझने का प्रयास है और अपनी स्थिति में परिमार्जन करने का प्रयास है। अभ्यास दो में हमारी जो परस्परता में व्यक्त होना है उसको समझने का प्रयास है और उसको सही करने का प्रयास है। तो इतना काम हम लोगों ने किया, अभ्यास एक और अभ्यास दो। सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हम लोगों ने ये बात रखी थी कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव, इस पर बात शुरू की थी और ये कहा था कि अभ्यास एक और अभ्यास दो में मुख्य रूप से देखेंगे तो हम लोग इसी बात को देखने का प्रयास कर रहे थे कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव। खास करके अभ्यास एक में तो यही प्रयास किया हम लोगों ने कि हमको ये दिख जाए कि हमारा सुख हमारे भाव विचार पर निर्भर करता है और हमारा भाव हमारे जो अभी तक की मान्यता है, जो संस्कार है, उससे तय होता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि हम अपने सहज स्वीकार्यता के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ये जांच परख कर सकते हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, कौन सा भाव असहज है, कौन का सुखद है, कौन सा दुखद है। तो होश पूर्वक देखने का, अपने भाव को और उसका मूल्यांकन करने का जो काम है उसको अगर हम ठीक से करें तो धीरे धीरे हमारे भाव में बदलाव होने लगता है। जो सहज और सुखद भाव है उसकी कंटिन्यूटी होने लगती है, जो असहज है, जो दुखद है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है या खत्म होने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये देख पाए कि जो हमारा सहज भाव है, जो हमारा स्वभाव है, उसको अगर हम ठीक ठीक पहचान लें और उस स्वभाव में हम स्थित हो जाएं, तो हम अपने में संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अभ्यास एक में देखा।
जितने भी सीमा तक हम उस काम को कर पाए हों, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई है कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो प्रश्न अब यही है कि हमको अपने पर काम करना है, अपने स्वभाव को पहचानना है अपनी सहस्वीकृति के आधार पर, और अपने स्वभाव में स्थित होना है। जितना जितना ये हम करते जाते हैं, उतना उतना हम अपने में हार्मनी में रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो ये बात कि सुख हमारा स्वभाव है, इसको देखने का काम हम लोगों ने अभ्यास एक में शुरू किया है, और उसका एक ग्लिम्स तो हम लोग को मिला ही है, उस पर आगे काम करने की जरूरत है। ये भी हम लोग देख पाए हैं कि ये जो प्रभाव के रूप में सुख पाने की कोशिश हम करते रहे हैं, चाहे वो अनुकूल संवेदनाओं को पाकर सुखी होना या अनुकूल भाव पाकर सुखी होना, उन दोनों से जो सुख मिलता है वो बहुत सामयिक है ना, उसकी निरंतरता नहीं है। और ध्यान से देखें तो वो आवेश ही है, सुख नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है जो हमारे में आराम देता हो हमको और हम अपने में उसको बनाए रखना चाहते हो। तो वो क्षणिक सुख भी सुख है, एक तृप्ति की स्थिति है या एक आवेश है, ये प्रश्न बहुत बार बात किया गया ही है, आप लोगों ने उसको अपने पर देखा ही होगा। तो ये जो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का जो मॉडल है हमारा, उससे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, ये तो पक्का है, ना तो ध्यान चला गया है और ये बात पर भी ध्यान चला गया है, कम से कम उसका ग्लिम्स मिल गया हमको कि अपने में स्वभाव में स्थित होते हैं, अपने सहज स्वीकृत भाव में स्थित होते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो इस दृष्टि से सुख हमारा स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव को पहचान लें कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है, तो धीरे धीरे हम अपने भाव को स्वभाव के अर्थ में व्यवस्थित कर सकते हैं, और उस स्वभाव में रहते हुए हम सुखी रह सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई है, उसके डिटेल्स को हम लोग धीरे धीरे उस पर काम कर ही रहे हैं सभी लोग। तो ये बात हम लोगों ने कल ध्यान दिलाया था कि अभ्यास एक में इस काम को कर रहे हैं, और ये भी कहा था कि एक बार हम अपने में सहज भाव सुखद भाव के साथ हैं, अपने स्वभाव में हैं, तो उसके अभिव्यक्ति के रूप में परस्परता में हम जो व्यक्त होते हैं उसके तहत हम हमारा व्यवहार सही रहता है, कार्य सही रहता है, व्यवस्था में भागीदारी सही रहती है, हमारा व्यवहार उभय सुखकारी होता है, हमारा कार्य हमारे और प्रकृति के लिए समृद्ध करने वाला होता है, और हमारी व्यवस्था में भागीदारी जो है हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाली होती है, और उसका विस्तार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा, या कम से कम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके संदर्भ में यह कहा कि ये जो हमारा जीना है परस्परता में, वो हमारे अपनी स्थिति का वैभव है। तो जब हम अपने में संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो हमारा जो परस्परता में जीना है हमारे वैभव के रूप में, वही स्वराज्य के रूप में पहचान में आता है। तो इतनी बात हम लोगों ने कल की थी। आज जो अगली बात हम लोग करना चाहते हैं इसी से जुड़ी हुई, वो यह है कि हम अपने स्वभाव में है या प्रभाव में है, उसको इस आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हमारे जीने का केंद्र क्या है। तो उसको हम लोगों ने एक तरह से व्यक्त किया है, रखा है, उससे आपको इस बात का मूल्यांकन करने में सहयोग मिलेगा कि आपका जीने का जो लेवल है या जीने का केंद्र है वो क्या है, और उस आधार पर आप ये देख पाएंगे कि अभी भी आपका ध्यान बाहर से सुख पाने पर है या अपने स्वभाव में स्थित होकर सुख को सुनिश्चित करने में है। तो उसके दृष्टि से ये बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है कि हम अपने से पूछ सकें कि हमारे जीने का केंद्र क्या है। तो इस प्रश्न को हम लोग पूछ रहे हैं, तो ये छह पॉसिबिलिटी है हमारे जीने का केंद्र सुविधा हो,
हमारे जीने का केंद्र शरीर हो, हमारे जीने का केंद्र संवेदना हो, हमारे जीने का केंद्र संबंध हो। संबंध में भी ये दूसरे से भाव पाना हमारे जीने के केंद्र में हो, या स्वयं में भाव को सुनिश्चित करना हो। उससे और ऊपर जाएंगे तो हमारे जीने का केंद्र हमारा स्वयं मय हो जाए, और उसमें भी कल्पनाशीलता हमारे केंद्र में है, या हमारे जो मान्यता है, स्वीकृति है, संस्कार है, जो कल्पनाशीलता के पीछे है ना होती है, जो कल्पनाशीलता को तय करती है, वो हमारे जीने के केंद्र में है। या और ऊपर जाएं तो जो शुद्ध दृष्टा है, जो साक्षी है, जहाँ से हम सहज स्वीकृति को एक्सेस कर रहे हैं, वो हमारे जीने के केंद्र में है। और ऊपर जाएंगे तो साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए हम संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को देखने का जो काम कर रहे हैं, तो अंततः गत्वा सहस्तित्व में जो को देखना है, सहस्तित्व में अनुभव होना है, शून्य को देखना है, वो हमारे जीने के केंद्र में है। तो अल्टीमेटली जो साक्षी होना, दृष्टा होना, शुद्ध दृष्टा होना, और वहां पर सहस्तित्व को देख पाना, शून्य को देख पाना, वो हमारे जीने के केंद्र में आ गया है। तो ये अपने से पूछना है हमको सवाल कि इन सब में से कहाँ, कौन सा हमारा जीने का केंद्र है अभी के समय। इससे हमको यह सहयोग मिलेगा देखने में कि हम सुख को कैसा देख रहे हैं और कहाँ से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 6, 5 और 4 की जगह पर हम जी रहे हैं, और 3 में भी 3B में अगर जी रहे हैं, तो हम सुख बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर 3A में गए, हम 2 में गए, 2 में भी साक्षी की जगह पर हैं, और 1 पर हमारा ध्यान चला गया है अस्तित्व में अनुभव पर, अस्तित्व को देखने पर, दृष्टा की जगह पर, और वो हमारे जीने का केंद्र हो गया है, तो फिर हम अपने में, अपने स्वभाव को देखने का, अपने स्वभाव में स्थित होने का, उसके आधार पर सुखी होने का काम कर रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि सब सुख जो है मेरे अंदर है, और इस सुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इन 6 जगह पर देखने का काम करिए। इतना साफ साफ देख पाना कि कैसे हमारी जर्नी जो है 6 से 5, 4, 3, 3 में भी 3B से 3A, और अभी 2 के 2B में जी है, इसको इतना साफ साफ देख पाएंगे तो फिर आगे का गति करने के लिए काम करेंगे ही। अच्छी बात है। इसमें देखिए 2A पर तो काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो जांच परख कर रहे हैं, एक तो ध्यान देने का काम कर रहे हैं स्टेप 1 में, एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1 में। जब ध्यान देने का काम कर रहे हैं तो 3 बातें कह रहे हैं, एक तो हमको होश में रहना है, अवेयर होना है, दूसरा कह रहे हैं कि हर क्षण अवेयर होना है, और तीसरा कह रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो इतना को अगर करने जाएंगे तो आपको 2A में पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि 2A में नहीं है और देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने संस्कार के आधार पर आप प्रतिक्रिया करने लगेंगे। डायरेक्टली ध्यान ना भी जाए, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग जो स्टेप 1 का काम कर रहे हैं, वो अपने को दृष्टा की जगह पर खड़े होकर, साक्षी की जगह पर खड़े होकर, बाकी अपने सारे 2B में जो चल रहा है उसको देखने का काम कर रहे हैं। तो एक जगह पे तो शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसका ग्लिम्स मिलता है, उसके आधार पर 2B पे काम चलता है। ज्यादा ध्यान 2B पर है तो ये भी अच्छी स्थिति है, धीरे धीरे अपने को शिफ्ट होना है 2A में, और वहां से 2B को देखना है, वही काम कर ही रहे। एक्सरसाइज 1 को देखेंगे तो बेसिक काम यह है कि हम 2A में खड़े होकर 2B को देख रहे हैं, कल्पनाशीलता को भी और अपनी मान्यता को भी। फिर